एक टेम्पलेट है, इसमें है क्या? ये आपको ऊपर लेबल मिलेंगे, ठीक है, नीचे आपको अबाउट कॉन्टेक्टस, प्राइवेट पॉलिसी, डिस्क्लेमर पेज मिलेगा। आपने इसको कस्टमाइज करना है, और मेन बात ये, आपको फुटर एरिया जो होता है, हम कोडिंग लगाते हैं, वो आपको नहीं लगानी पड़ेगी इसमें, ये खुद ही सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। अब ये देखिए जी हेलो, मैंने इसको जैसे ही मैंने इसका टाइटल दिया हुआ है ब्लॉग में, ये एक मैंने डेमो के लिए बनाई है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे हेलो का ऑप्शन आ गया, ठीक है, मैंने कोई एडिट नहीं करी, मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ। मैं थीम्स पे आता हूँ, थीम्स पे आने के बाद मैं इस थीम्स को अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मैं इस थीम्स को अप्लाई कर देता हूँ, और मैं इसको दोबारा करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, ये आने के बाद फिर मैं दोबारा इसको अपलोडिंग पे जाता हूँ, ये बैकअप पे आ गया, मैं यहाँ पे मैं आता हूँ। आपने कोडिंग नहीं उठानी, आप जो मैं आपको ये थीम्स प्रोवाइड करूँगा, आपने जैसे स्टेप मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपने करना है, ठीक है। तो सिंपल ये वो थीम्स पड़ी, ये मैं इसको, ये देखें ये अभी ये हो गई है, तो मैं दोबारा से इसको रिफिनिश करता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ये देखें। अब ये देखें वही चीज़ आ गई है, और नीचे मैं जाता हूँ, ये वो ये देखें हेलो आ गया, मैंने कोई कस्टमाइज नहीं करी। दूसरी बात, इसको आप इतने एड लगा सकते हैं गूगल एडसेंस के, आप सोच भी नहीं सकते। ये एक मैंने कस्टमाइज करी, ये वैसे ही डेमो के लिए करी, ये मैं अपनी दूसरी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई ये, ठीक है, मैं इसको रिफिनिश करता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने वो ही वेबसाइट है, ये मैंने इधर लेबल जो कैटेगरी लेबल होते हैं वो मैंने नहीं लगाए, यहाँ पे मैंने एड लगा रखे हैं, ये मेरे लेबल है, आप अच्छी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात, नीचे आए तो नीचे भी मैंने देखे, ये देखें वही नाम आ रहा है, टाइटल आ रहा है मेरे ब्लॉग का। और मज़े की बात ये है कि आप लोग, अब ये क्या चीज़ है, आप लोगों को दो वेबसाइट बनानी पड़ेगी, इससे डबल अर्निंग करेंगे, वो मैं आपको फंडा बताता हूँ। अगर आप कोई डाउनलोडिंग की या मूवीज़ की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, मूवीज़ की वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, और उससे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। इस पे आपने कुछ पोस्ट होती हैं, 20 से 25 पोस्ट या 30 पोस्ट आपने लिख देनी है, ठीक है। आपने जब पोस्ट लिखोगे, मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ, मैंने इसका यूआरएल कॉपी करा और मैंने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं इस पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं नेक्स्ट विंडो ओपन करता हूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ। अब ये देखना, ये दूसरे पे, उसी पोस्ट पे आ गया। अभी ये मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखें मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद बंदा वेट करेगा, इस पे क्लिक करेगा, कोई चीज़ डाउनलोड करता है या मूवी डाउनलोड करता है, ठीक है, वो सीधा नीचे आ जाएगा, फिर उसको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद दोबारा वो क्लिक करेगा, ये रीडायरेक्ट उसी पोस्ट पे मुझे लेके जाएगा, या कोई आप डाउनलोड लिंक देंगे तो उस लिंक पे लेके जाएगा, ठीक है। ये देखें उसी पोस्ट पे मुझे ये वापस लेके आ गया, ठीक है, ये है इसका फंडा। तो ये थीम्स बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट बनाते हैं, मूवी डाउनलोड कराते हैं, तो आपने उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना, और उस पोस्ट को, उस ये ऑटो उस पोस्ट को सिलेक्ट करेगा जिसमें वो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, आपने आपने जब इस पोस्ट यहाँ पे आप पोस्ट डालना शुरू कर देंगे, इस वेबसाइट पे अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, इस वेबसाइट पे आप कोई भी यानी कि पोस्ट डालते हैं, फिर आपने एसईओ नहीं करना, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ।
आपने सिंपली यहाँ पे अपने कैटेगरी की लेबल दे देने, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अपना अबाउट, कॉन्टेक्टर्स, प्राइवेट पॉलिसी और डिस्क्लेमर का पेज बना लेना है, ठीक है। ये बनाने के बाद आपने पोस्टें डालना शुरू कर देनी है। अब इसके जो कस्टमाइज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं लेबल पे आ गया हूँ। लेबल पे आने के बाद यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रिमूव करा, मैं इसको रिफिनिश करता हूँ तो ये मेरा टाइटल खुद ही ले लेगा। ये देखें, ये खुद ही ले लिया हमने। वो जो इसका ऊपर लगा हुआ था लोगो वो हटा दिया, ठीक है। वो हटाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो एड्स आ रहे हैं, मैं इसको ये देखें, मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म और सेव कर देता हूँ। ये मेरा एड हट जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। ये रिमूव हो गया, ये देखें, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपने अपनी पोस्टें डालनी है और कुछ भी नहीं करना। इससे आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी बात, मूवी वेबसाइट की मैं टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी अगली वीडियो में, जब आप भाई मुझे कमेंट्स करेंगे। तो एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है वो जो मेरी डेमो के लिए ये भी बनी हुई है, ठीक है। तो इससे भी ये देखें, ये टेम्पलेट है, बहुत ही ज़बरदस्त टेम्पलेट है। आप इसको भी अच्छे खासे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही, यानी कि ये पेड थीम्स होती हैं ब्लॉगर की, जो आपको फ्री में मिल जाएगी और ये डेटा भी मिल जाएगा अगर आप डेटा चाहते हो। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो अगर आपको टेम्पलेट चाहिए लिंक आपको मिल जाएगा। ये वाली ये देखें, ये वाली एक पोस्ट है, ये इस पोस्ट को आप ओपन करेंगे तो इसके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको सारा कुछ बता रखा है, ठीक है। ये वो टेम्पलेट है। अब आपने करना क्या है, आप मेरी पोस्ट में आएंगे, अच्छा सा कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स करने के बाद मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूँ, इस टेम्पलेट का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो भाई अगर आपको बैक लिंक चाहिए तो इसको, इस पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। मैंने ऐड भी लगा रखे हैं, यहाँ भी ऐड लगा रखा है, ठीक है। ये ऐड लगे हुए हैं सारे, ये जितने लगे हुए हैं ये ऐड लगे हुए हैं।